ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तो आपने बोला कि वेलकम टू माय टीम। डरा रहा हूं। देख, तू मेरे किस काम का? तुझे तो खुद पैसे चाहिए, तो तेरे सर पे गन रख के मैं लूथरा फैमिली को डराऊंगा, तभी तो वो मेरे लिए कुछ करेंगे ना, वरना तू तो मेरे किसी काम का नहीं है, तू बेकार है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो कमार। बॉस आ रहे हैं, कोई चू नहीं करेगा, समझे? डैड, डैड, ये हमारी फैमिली के साथ ही क्यों हो रहा है? हमारे घर में क्यों हो रहा है? हम इस शहर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली है, और ये मामूली से गुंडे हमें ओवर पावर कर रहे हैं। What I'm thinking, किसी तरह पुलिस को फोन कर दे तो। वही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर किसी के फोन में नेटवर्क ही नहीं है। कि आजकल के गुंडे ना बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, ये सबसे पहला काम करते हैं कि नेटवर्क जाम कर देते हैं, ताकि हम किसी से बात नहीं कर सके, किसी की हेल्प नहीं ले सके। इनके ग्रुप में कोई ना कोई तो जरूर होता है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है, और ये हर चोरी के बाद और ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, और फिर ये हमारी जैसी फैमिलीज को ट्रबल करते हैं, जैसे अब कर रहे हैं। ये किसके साथ क्या करते उससे हमें कुछ पता नहीं चलता, जब बात हमारे ऊपर आती तब हमें पता चलता है कि कैसा लगता है। पर ये बंदा तब से हम सबके ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा है, हम सब तो ऐसे खड़े नहीं रह सकते ना, कुछ तो करना होगा, अदरवाइज ये लोग अपना गेम खेल जाएंगे। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? हम सब वही करने वाले हैं, और अब तू ना चुप रहेगी और कुछ नहीं बोलेगी, समझी? मुझे गुस्सा मत दिला पलकी। शनाया, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या, हर जगह ना इसको बस जाके स्ट्रॉन्ग बनना होता है, मतलब जहां आगे इसको देखी वहां जाके कूद जाती, ऐसा थोड़ी होता है। लड़की है वो, सेंसिटिव है, उसे कोई भी हार्म कर सकता है, पर इसे तो अपनी पड़ी नहीं है, है ना? यू नो व्हाट पलकी, तू भी इम्पोर्टेंट है, समझ में आता है तुझे? यू नो ऐसा क्यों करती है? इसे ये लगता है कि कोई आग में कूद जाऊं तो किसी को बचा लूं, किसी की हेल्प कर लूं, पर तेरी लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तूने ना कोई लाइफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा है जाके सबको बचाने का। आई अग्री कि मैं तुझसे हमेशा लड़ती हूँ, हमेशा तुझसे झगड़ा करती हूँ, तो चीज सब सुनाती रहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? आई एम योर सिस्टर, आई लव यू, बहन है तू मेरी। इतनी परेशान क्यों हो रही है? होंगी ना, अरे पूरी फैमिली है ना मेरे साथ। आई डोंट केयर। पलकी, शनाया बिल्कुल सही कह रही है, ये लोग प्रोफेशनल गुंडे हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, तुम कोई स्मार्ट पार्ट नहीं, तो तुम्हें बोला जा रहा है वो करो ना, तुम अगर प्रॉब्लम से दूर रहोगी तो हम सब प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम प्रॉब्लम ताकि हम सब सेफ रहें। आई होप यू गॉट द पॉइंट। शौर्य, तू हमेशा पलकी से ऐसे बात क्यों करता है जैसे पास्ट में पलकी ने तेरे साथ कुछ गलत किया? क्या हो गया तुम दोनों को, आपस में कोई झगड़ा कर रहे हो? तुम दोनों आपस में झगड़ोगे ना तो ये लोग उसका फायदा उठाएंगे। सर, ओ हो हो हो, सबके सब यहां हैं। हम भी आ गए, आने के बाद हमें तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे। यहां हर कोई है लेकिन राजवीर की मासी नहीं दिखाई दे रही। वैसे हमें अपना राज तो यहां दिखाई दे रहा है, अपनी जीत तो साफ साफ दिख रही है। कमान कमान, आराम से। तुम जाके जरा राजवीर की मासी को ढूंढो तो, कहां है, लेकर आओ उनको। उनके अलावा मतलब
अगर उन्हें हाथ भी लगाए ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। अंशुमन पांडे तो दामाद जी को गोली से उड़ा दूं। गोली मत चलाना। नहीं लगता है कि दामाद जी से हर कोई प्यार करता है ना? एक्चुअली दामाद जो होता है ना वो दूज का चांद होता है, और अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी हीरोपंती दिखाई तो इस दूज के चांद पे ना मैं ग्रहण लगा दूंगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वरुण को छोड़ दो। प्रीता मैं वो कह रही। चुप। अब एक शब्द और बोलने की जरूरत नहीं है तो इसलिए शांत। ए, ये कैसे बात करो इनसे? पता है कितनी बड़ी है तुमसे, तुम्हारी माँ की उम्र की। तुम्हारी माँ से कोई इतनी बदतमीजी से बात करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इतने बुरे हो कि अब तो मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूंगी कि कर्म अच्छे करो। तुम भाड़ में जाओ, जैसे कर्म करने वैसे करो, क्योंकि फल तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन इनसे तमीज से बात करो। अगर मैंने तमीज से बात नहीं करी तो क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी अकल से बाहर है। तभी मैंने बोला था ना कि मेरी सोच अलग है, मैं बंदा अलग हूँ, पर तुम लोग ने नहीं मारा। आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम कर लिए, पर आपको क्या लगता है कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है लूथरास को बचाने के लिए। लेकिन यही अगर अंशुमन पांडे की तरफ से सोचो तो उसको तो आपने धोखा दिया ना। तो अंशुमन पांडे ने हमारे साथ जो किया वो धोखा नहीं था तो और क्या था? बोलो, ये पेपर्स के ड्रामे के पहले अंशुमन पांडे ने पहले हमें धोखा दिया, मेरे दोनों बच्चों को, शौर्य को, राजवीर को जेल पहुंचा दिया। बताओ वो धोखा नहीं था तो और क्या था? पलकी क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? राजवीर मैं इन गुंडों को हम सब पे हावी हुए नहीं दूंगी, क्योंकि अगर उन लोगों ने हम सबको कंट्रोल कर लिया तो पता है क्या होगा? ये फैमिली अपना सब कुछ खो देगी, सबकी लाइफ बिखर जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये लोग हमारे ऊपर कब्जा करेंगे, हमारे ऊपर राज करेंगे, इस घर पे राज करेंगे। नो राजवीर, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इसलिए सबसे पहले इस सिचुएशन को हमारे कंट्रोल में लाना होगा, और वो भी इसके पहले जब सैम यहाँ से वो राखी आंटी और पिताजी को लेके वापस वो हॉल में जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी अंशुमन पांडे है, उसके पहले ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हाँ पलकी, लेकिन पलकी कोई आ रहा है, हमें छिपना होगा। यहाँ चल 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 जल्दी चल। टाइम हो गया कोई नहीं आया, चलते बाहर।